अस्सलाम वालेकुम। आज जुम्मे का बाबरकत दिन है और मैंने सोचा कि इस दिन में आपको एक ऐसी चीज़ की तरफ तवज्जो दिलाऊं जो शायद हम सबके साथ होती है, लेकिन हम इस बात को कभी सोचते नहीं या कभी इग्नोर कर लेते हैं और कभी शायद समझना नहीं चाहते। आपको पता है, जब हमारे साथ कुछ ऐसी चीज़ होती है जिस पर हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं और चाहते हैं कि हमारी ये चीज़ ठीक हो जाए या अल्लाह में कोई मौजज़ा कर दें या कुछ भी हो जाए, और उन हालात के मुताबिक हम जब इत्तेफाक होता है, हम कभी मोबाइल खोल लें, कभी कंप्यूटर, कभी कोई बुक उठा के पढ़ लें, तो हमारे सामने कोई चीज़ आ जाती है, कोई हदीस आ जाती है, कोई आयत आ जाती है, कोई तस्बीह आ जाती है। तो इस चीज़ को आप गैर मामूली ना समझें, ये अल्लाह की मदद होती है, ये अल्लाह के इशारे होते हैं। अल्लाह इस चीज़ की तरफ हमारी तवज्जो दिला रहा होता है कि ये चीज़ तुम्हारे लिए बेहतर है जो हम समझते नहीं हैं। ये मेरे साथ हुआ एक वाक़या है कि मतलब कुछ सालों पहले मैं एक बहुत बहुत अजीब सी एक हालात से गुजर रही थी। तब मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूं। तो रमज़ान का महीना था, मैं सहरी में कुरान पाक पढ़ के रो रो के सोई थी। तो मुझे ऐसा लगा कि आसमान से कोई बुज़ुर्ग से आए हैं, उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा और मुझे एक तस्बीह बताई। सुबह जब मैं उठी तो मुझे वो तस्बीह जहन में नहीं आ रही थी कि वो मुझे क्या बता के गए थे। फिर मैं ज़ोहर के टाइम पे मैंने कुरान पाक की तिलावत की तो 70वें सिपारे में वो तस्बीह मेरे सामने आ गई और मुझे ऐसा लगा एकदम से कोई स्पार्क हुआ हो और मुझे वो चीज़ सामने आ गई कि ये मुझे पढ़ने के लिए कहा गया था। और यकीन माने वो तस्बीह मैंने पढ़ना शुरू की। मैंने कोई तादाद मुतय्यन नहीं की, मैं पढ़ती जा रही थी और तीन दिन के बाद मेरी वो मुश्किल अल्हम्दुलिल्लाह मतलब उससे निकलने का मेरे पास एक रास्ता सामने आ गया। उसके बहुत सारी चीज़ें फेस हुई, बहुत सब कुछ हुआ, लेकिन एक रास्ता मिला अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह मियाँ जो हमें ये इशारे देते हैं या कुछ बताते हैं, ये उनकी गैबी मदद होती है, इसको हमें समझना चाहिए। अगर हमें अल्लाह ने कोई इशारा दिया है और हम जानबूझ के इसको इग्नोर कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम खुद अपने साथ जो है वो एक नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। तो इस चीज़ों को समझिए, इस पर अमल कीजिए, और फिर रब ताला की जो है मौजज़े देखिए। आजमाई हुई बातें ज़रूर अमल कीजिएगा।